high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. थेरेपिस्ट टूबा से बात करते हैं कि इस फिजियोथेरेपी डे का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है और ये क्यों मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम जी। तो आज आपका फिजियोथेरेपी डे है, तो ये डे की क्या अहमियत है और किस तरह से आप देखती हैं इस डे को, क्यों मनाया जाता है और किस तरह से आगे और इम्प्रूवमेंट आ सकती है फिजियोथेरेपी में? ये हम डे जैसे मुर्शिद हॉस्पिटल में बाकी सारे डेज़ मनाए जाते हैं, 14 अगस्त हो गया और भी बहुत सारे डेज़ जो होते हैं जिसमें हमारे डाइटिशियन वगैरह कभी होता है सारा, तो वो उसमें, तो इसी तरह फिजियोथेरेपी एक डे है तो मुर्शिद हॉस्पिटल इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हम इसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर कैंप्स भी लग रहे होते हैं, फ्री ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे होते हैं ताकि इसे अवेयरनेस बढ़ती जाए। फिजियोथेरेपी क्योंकि एक ग्रोइंग फील्ड है, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पहले से तो अब माशाल्लाह बहुत बेहतर होता जा रहा है, लेकिन अब फ्री कैंप्स हम लगाते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। नॉट इवन ये बैक पेन या फिर नेक पेन या इसी तक मुख्तस है, बल्कि इसमें बहुत सारे और डोमेन्स भी हैं जो शायद लोगों को नहीं पता। जैसे इसमें बच्चों के लिए पीडियाट्रिक अलग होती है, पीडियाट्रिक रिहैब होती है, ऑर्थोपेडिक है, न्यूरो है, अच्छा गाइनी रिलेटेड है, फिर अगर आप इसको डिफरेंट करना चाहो तो आप आ जाओ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो इसके बहुत सारे डोमेन हैं, जितना हम इसको आगे इंशाल्लाह एडवांस होता रहेगा, बहुत सारी और टेक्निक्स, जदीद चीज़ें आती जा रही हैं हमारे पास, मशीन्स आती जा रही हैं, इक्विपमेंट्स आते जा रहे हैं, तो इसकी और भी डिमांड बढ़ती जा रही है। हमारी जो फिजियोथेरेपी काउंसिल है वो भी बन रही है, सिंध फिजियोथेरेपी काउंसिल, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो अप्रूव हो जाए। आने वाले वक्तों में इस डे को हम और भी बड़े लेवल पे इंशाल्लाह मनाया करेंगे। फिजियोथेरेपी डे क्यों मनाया जाता है, इसकी खसूसियत क्या, इसकी अहमियत क्या और किस तरह से इसको आगे लेके लोग चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे ये स्पेशल डे पे और हमें टाइम दिया, और स्पेशली सर का भी शुक्रिया चैनल होमेजी चैनल का। अच्छा, बेसिकली फिजियोथेरेपी डे जो है वो मनाया जाते हैं बेसिकली अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस और अप्रिसिएशन ऑफ जो लोग भी इससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो काम कर रहे होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, तो उसको एक किस्म का अप्रिसिएशन, और दूसरा पर्पज़ है इसका वो है अवेयरनेस कि इस फील्ड के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये क्या है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ द फील्ड एंड अप्रिसिएशन ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट या जो भी लोग इससे रिलेटेड है उनके लिए ये डे मनाया जाता है। और हमारा ये डिपार्टमेंट जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है मुर्शिद हॉस्पिटल में, एक मैंने डिपार्टमेंटल लेवल पे एक छोटा सा प्रोग्राम और सेलिब्रेशन अरेंज की है। मुर्शिद हॉस्पिटल में एक प्रॉपर हमारे पास, जैसे पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं कि एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है फिजियोथेरेपी का, IPD OPD एंड रिहैब जिम, तो इस तरीके से ये हर साल तकरीबन हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं तो डिपार्टमेंटल लेवल पर, और इस साल भी हमने एक कोशिश की है अपनी तरफ से कि इसको सेलिब्रेट करें। और मुर्शिद हॉस्पिटल में बाकी है कि
हर किस्म की सर्विसेज फिजियोथेरेपी के हवाले से मौजूद है। तो जिनको जिस भी हवाले से इस सर्विसेज की नीड हो तो जो अवेलेबल है डिपार्टमेंट आईपीडी के भी ओपीडी के भी, जैसे मेल और फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट दोनों सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंस दी गई है मुर्शिद हॉस्पिटल के थ्रू, और फिजियोथेरेपी डे मनाया जा रहा है बड़े जोश व खरोश के साथ, और हम फिजियोथेरेपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग इसलिए देते हैं क्योंकि ये हर हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी है और मुर्शिद हॉस्पिटल में शाना बशाना रहते हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल इसको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट लेवल पर ले गए हैं, यहाँ का जिम भी है, हर एज ग्रुप को एलोकेटेड करते हैं और हर प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपके हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।